नमस्कार मित्रों, शिवालय यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, आज अपन उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। अपना जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जिसमें अपन नॉन कोडेड और कोडेड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो दो वीडियो में बन जाएगा अपना नॉन कोडेड और एक अपना बनेगा कोडेड का वीडियो। चलो ऐसे स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है उसमें अपन ने एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन नॉन कोडेड और कोडेड में बांटा था, उसके लिए सबसे पहले तो अपन बेसिस पढ़ते हैं कि वो किस बेस पे था। तो ये अपन ने तीन बेसिस पढ़ते हैं इसके लिए कि कोडेड और नॉन कोडेड को किस बेस पे बांटा जाता है। देखो फर्स्ट बेसिस जो है वो है प्रेजेंस ऑफ प्रोटोकॉल, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोकॉल। दूसरा बेसिस जो होता है वो होता है डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। तीसरे बेसिस की बात अगर करते हैं तो ये होता है फेरिंजियल गिल स्लेट्स। ये तीन बेसिक कैरेक्टर होते हैं और ये तीनों जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं ये किसके कैरेक्टर्स हैं, तो ये कोर्डेट के बेसिक कैरेक्टर्स हैं। कोर्डेट के बेसिक कैरेक्टर हैं, तो तीनों कैरेक्टर जिन एनिमल्स में पाए जाते हैं उन्हीं को अपन कोर्डेट कहते हैं। वो जीवन की किसी भी अवस्था में हो सकते हैं, जैसे इस कैरेक्टर के लिए गिल स्लेट्स के लिए कहा जाता है कि ये कैरेक्टर जो है वो कोर्डेट के किसी भी जीवन की किसी भी अवस्था में, चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेज हो चाहे एडल्ट स्टेज में, किसी में भी हो सकता है। तो ये तीनों कैरेक्टर जो होते हैं वो कोर्डेटा के बेसिक कैरेक्टर्स कहलाते हैं। इन्हीं तीनों बेसिक कैरेक्टर्स के आधार पर मतलब जिन एनिमल्स में ये कैरेक्टर नहीं होते हैं उनको अपन नॉन कोर्डेट कह देते हैं, उनको अपन ने नॉन कोर्डेट कह दिया। और जिनमें ये तीनों कैरेक्टर प्रेजेंस होते हैं उनको अपन ने कोर्डेट कह दिया। ये दोनों क्लासिफिकेशन जो है वो अपन करने वाले हैं। नॉन कोर्डेट की बात करते हैं तो इसमें 9 मेजर फाइला ऐड होते हैं। चालू करते हैं अपन। पहला जो फाइलम होता है वो फाइलम होता है इसके अंदर फाइलम प्रोटोजोआ। दूसरे की बात करते हैं तो वो आता है फाइलम पोरिफेरा। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा आता है फाइलम सिलेंटेटा। फोर्थ की बात अगर करते हैं तो फोर्थ अपन इसमें टीनोपोरा को ऐड कर देते हैं, जो कि माइनर फाइला होता है टीनोपोरा। फिफ्थ की बात अगर करते हैं तो यहां पर अपने आता है प्लेटीहेलमिंटीज। सिक्स की बात अगर करते हैं तो यहां पर आता है अपने एस्केहेलमिंटीज। सेवन की बात करते हैं तो यहां पर अपने आता है एनेलिडा। फिर अपने आता है आर्थ्रोपोडा। फिर अपने आता है यहां पे मोलस्का। और नाइन टेंथ जो आता है वो अपने आता है यहां पे एकाइनोडर्मेटा। ये 10 जो है ये 10 अपने फाइलम होते हैं, किसमें नॉन कोडेड में फाइलम है। इसमें से ये जो होता है ये फाइलम जो होता है टीनोपोरा, ये माइनर फाइला होता है। बाकी जो 9 के 9 जो होते हैं वो मेजर फाइला में रखे जाते हैं। वैसे आरबीएससी के दौरान तो केवल ये 9 मेजर फाइला रखे जाते हैं, पर एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी में टीनोपोरा को इन्हीं के साथ में रखा गया है, तो अपन सभी क्या स्टडी करेंगे। चलो अपन के एक एक बेसिक कैरेक्टर जो है वो यहाँ लेंगे और फिर अपन इनकी डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसके अंदर प्रोटोजोआ। अब ये जो नाम दिए गए हैं ये नाम इनके जो फर्स्ट मेन कैरेक्टर है इन्हीं के बेस पे दिया गया है। पहला हम बात करते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है प्रोटो मतलब होता है यूनिसेलुलर, प्रोटो मतलब होता है यूनिसेलुलर और जोआ का मतलब होता है जीव, मतलब सीधा सा कहेंगे एनिमल्स। तो ये पहला कैरेक्टर प्रोटोजोआ का हो गया यूनिसेलुलर एनिमल्स। पोरिफेरा की बात करते हैं तो यहां पर पोरी मतलब होता है इसके अंदर पोर्स और फेरस मतलब होता है बॉडी, तो अपन ये सीधा सा अपन ये कहेंगे पोर्स प्रेजेंट ऑन बॉडी।
शरीर पर इसके अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं। फिर हम बात करते हैं सिलेंटेटा। सिलेंटेटा जो होता है इसका दूसरा नाम जो होता है इसको अपन मिनेरिया भी कहते हैं, मिनेरिया। अब सिलेंटेटा जो होता है इसका बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, सिलेंटेट का बेसिक कैरेक्टर को अपन ये कहेंगे कि इसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है, इसको अपन सिलेंट्रोन कैविटी कहते हैं। सिलेंट्रोन कैविटी पर जाएंगे। बाकी निडेरिया जो होता है ये निडेरिया पर जो दिया गया है, ये निडेरिया पर दिया गया है इसके अंदर इसमें पाई जाने वाली निडोब्लास्ट सेल्स के द्वारा के कारण से, इसमें निडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है, ये इनके बेसिक पार्ट हो गए। फिर हम बात करते हैं टीनोपोडा। टीनोपोडा की जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर टीनी, ये जो टीनी वर्ड होता है, टीनी वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे कॉम्प्लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कंगे जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो इसमें टीनोपोडा, पोडा का मतलब होता है बॉडी, तो यहाँ पर सीधा सा हम कहेंगे तो कॉम्ब लाइक प्लेट प्रेजेंट। इनकी जो बॉडी होती है इस पर आठ कंगी समान पट्टियां पाई जाती है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं प्लेटी हेलमेंटीज। प्लेटी, यहाँ पर प्लेटी का मतलब होता है चपटे, फ्लैट। प्लेटी का मतलब होता है चपटे कर्मी, फ्लैट, फैट। तो अपन यहाँ पर ये कहेंगे कि ये होते हैं फ्लैट वॉर्म। हेलमेंटीज मतलब होता है कर्मी या वॉर्म। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एस के हेलमेंटीज। एस के हेलमेंटीज के बारे में चर्चा करते हैं तो एस के मतलब होता है यहाँ पर राउंड। एस के मतलब होता है राउंड और हेलमेंटीज का मतलब हो गया वही वॉर्म। अगर अपन एस के हेलमेंटीज की जब चर्चा करते हैं तो एस के हेलमेंटीज जो है, इस एस के हेलमेंटीज, जैसे एस के हेलमेंटीज जो है वो कुछ बुक्स में इसको सुपर फाइलम में दे रखा है, एस के हेलमेंटीज जो है इसके अंदर फाइलम जो देते हैं वो फाइलम आता है इसके अंदर निमेटोड। ये पढ़ेंगे आगे, डिटेल जब पढ़ेंगे अपन उनके उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं एनेलिडा। एनेलिडा जो होते हैं यहाँ पर एनुलस, एनुलस का मतलब होता है छल्ले, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो सीधा सा अपन इसको ये कह देते हैं कि ये सेगमेंटेड बॉडी होती है, सेगमेंटेड वॉल। ऐसे हेलमेंटीज जो होते हैं वो अनसेगमेंटेड होते हैं, इसके बॉडी पर सेगमेंट नहीं पाए जाते हैं। एनिलिडा जो होते हैं वो दिखने में वैसे ही होते हैं पर इसके अंदर बॉडी पर सेगमेंट पाए जाते हैं, तो ये छल्लेनुमा संरचना होती है उसके अंदर सेगमेंट्स होते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो आर्थो और आर्थो, आर्थो का मतलब होता है यहाँ पर ज्वाइंट और पोडा का मतलब होता है अपेंडिजेस, तो इसको अपन ये कहेंगे तो ये है ज्वाइंट अपेंडिजेस। ये जो एनिमल्स होते हैं इनके पैर जो होते हैं वो संधियुक्त होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं मोलस्का। मोलस्का के जो एनिमल्स होते हैं इनका जो शरीर होता है बहुत सॉफ्ट होता है, तो अपन इनको ये कहेंगे ये होते हैं सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। और फिर अपन बात करते हैं इकाइनोडर्मेट, तो इकाइनोडर्मेट को अपन यहाँ पर ऊपर लिखते हैं। इकाइनोडर्मेट, इकाइनोडर्मेट में यहाँ पर ये वर्ड आता है इकाइनस, इकाइनस का मतलब होता है स्पाइन, मतलब सूल युक्त, और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, तो यहाँ पर ये जो एनिमल्स होते हैं इसकी स्पाइन स्किन होती है, सूल युक्त त्वचा होती है। ये अपने एक बेसिक पार्ट हुआ मोनकोर्डेट का। देखो जनरल अपने जेट लेवल पर क्वेश्चन जो आते हैं वो इनके बेसिक कैरेक्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पिछली बार 2019 में क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है निडोब्लास्ट सेल जो है वो कौन से फाइलम का कैरेक्टर होता है। ओके, निडोब्लास्ट सेल जो है वो कौन से फाइलम का कैरेक्टर होता है, तो ये अपने सिलेंटेड का कैरेक्टर होता है। इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन जो बनते हैं वो यूनिसेलुलर एनिमल्स है। अब यूनिसेलुलर एक तो प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं, तो प्रोटोजोअन जो होते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में आते हैं, जबकि बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, ब्लू प्रिंट एल्गी होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं पर वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं, ये आते हैं यूकैरियोट्स में। चलो फिर इसके बाद में बेसिक कैरेक्टर्स में यही कैरेक्टर्स जो है वो पूछे जाते हैं, क्लियर। चलो अब अपन कोर्डेट्स की चर्चा करते हैं, कोर्डेट्स की चर्चा करते हैं। तो कोर्डेट्स जो है, इस कोर्डेट्स में भी अपन दो पार्ट बनाएंगे, और इनको जो है ये टेबल जो है, ये टेबल अपन नॉन कोर्डेट के जब पूरा डिटेल पढ़ लेंगे उसके बाद में कोर्डेट के टेबल जो है वो अलग से बनाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। चलो अपन अपना फर्स्ट फाइलम लेते हैं इसके अंदर नॉन कोडेट में, फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ जो है इसका बेसिक कैरेक्टर अपन पढ़ चुके हैं कि अभी मैंने बताया तुम लोगों को, प्रोटो मतलब होता है यूनिसेलुलर और जोआ मतलब होता है जीव, तो ये यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं। ये जो प्रोटोजोआ वर्ड जो दिया गया है ये दिया गया है वर्ल्ड फर्स्ट के द्वारा।
जनरल कैरेक्टर सामान्य अर्थ जो है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। पहला जनरल कैरेक्टर आ गया यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स, ये यूकैरियोटिक एनिमल्स में आते हैं। दूसरे कैरेक्टर की बात कर सकते हैं तो सिमेट्री के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। देखो कल वाले वीडियो में मैंने ये बताया था तुम लोगों को कि ये जो एनिमल्स होते हैं इसके अंदर सिमेट्री जो होती है सिमेट्री के बेस पे ये एसिमेट्रिक एनिमल्स होते हैं, मतलब कि जैसे भी इसको काटा जाए तो इसके दो बराबर भाग जो है वो नहीं होते हैं, तो ये एसिमेट्रिक एनिमल्स हो गए। फिर इसके बाद में अपन ने इसके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कोटि संगठन पढ़ा था, तो इसके अंदर जीवद्रव्य कोटि संगठन मतलब प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब इसमें केंद्रकों की बात करते हैं, देखो अमीबा की हम चर्चा करते हैं तो अमीबा में केंद्रक एक है, यहाँ यूग्लिना की अगर चर्चा करते हैं तो इसमें भी केंद्रक एक होता है, अगर पैरामीशिया की अगर चर्चा करते हैं तो इस पैरामीशिया में केंद्रकों की संख्या दो होती है, इसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है और एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। चलो फिर हम बात करते हैं सर्वबाहरी शरीर पर आवरण की, तो देखो अमीबा की बात हम करते हैं तो अमीबा जो है इस अमीबा के बाहर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है, तो ये नम्न सरफेस वाला होता है। यूग्लिना की बात हम करते हैं तो इसके ऊपर पेलिकल पाई जाती है, बाहरी आवरण पेलिकल पाई जाती है। तो प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स होते हैं वो या तो नेक्ड होते हैं, नग्न होते हैं, या पेलिकल के कवरिंग के द्वारा होते हैं। फिर हम बात करते हैं जैसे अपन ने कल मैंने बताया था लोगों को कि ये संगठन जो होता है इस संगठन में सारे के सारे काम जो होते हैं वो इसके प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ही होते हैं, तो यहाँ पर ये प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसलिए इसके अंदर श्वसन उत्सर्जन ये जो होती है वो सामान्य सदस्य मतलब सामान्य सदस्य, और जो रिएक्शन भी होती है वो रिएक्शन होती है इसके अंदर डिफ्यूजन के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा सामान्यतः गैस जो है उसका आदान प्रदान होता है, उत्सर्जित पदार्थ जो है वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं परासरण नियमन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इसका परासरण नियमन। ये परासरण नियमन जो होता है ये इसके लिए इसमें पाई जाती है संकुचनशील वृत्ति का कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, मतलब परासरण नियमन का मतलब हो गया ऑस्मो रेगुलेशन, तो ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया जो होती है उसके लिए कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। ये कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल यहाँ पाई जाती है क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं ये लगभग सभी एनिमल्स जो होते हैं वो स्वच्छ जलीय एनिमल्स होते हैं और फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं। फ्रेश वाटर में कंडीशन के हिसाब से क्या होती है कि जब इसको फ्रेश वाटर में रखा जाता है तो वाटर जो है वो वाटर अंदर जाता है, और अगर रेगुलरली इसके बॉडी में एंटर करेगा प्रोटोप्लाज्म में एंटर करेगा तो ये अमीबा जो है वो फूल होकर फट जाएगा। तो इस रिएक्शन को रोकने के लिए इस पार्ट को रोकने के लिए इसके अंदर कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, संकुचनशील वृत्ति का पाई जाती है। चलो फिर हम बात करते हैं इसमें परिसंचरण तंत्र जो होते हैं वो भी तंत्र की बात करते हैं तो परिसंचरण तंत्र जो है वो नहीं बनता है, पर इसके अंदर अगर जब अपन बात करते हैं भोजन की, जब भोजन लिया जाता है खाद्य रीति का फूड वैक्यूल्स में, फूड वैक्यूल जो होती है वो इसके साइटोप्लाज्म की मूवमेंट के साथ साथ इसमें घूमती है, तो इसमें ये जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है इस मूवमेंट का नाम होता है साइक्लोसिस, साइक्लोसिस कहा जाता है इसको जीवद्रव्य भ्रमण। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर जनन, तो जनन मुख्य रूप से अलैंगिक जनन ही होता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मेन पार्ट जो आता है इसके अंदर वो आता है इसके अंदर बाइनरी फिशन द्विविभाजन। अगर अपन बात करें सेक्सुअल वैसे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होता है, पर एक रिएक्शन पाया जाती है इसके अंदर कॉन्जुगेशन संयुग्मन, वो भी केवल इसमें पैरामीशन में पाया जाता है। इसमें होता क्या है, ये दो पैरामीशन जो होते हैं वो दो पैरामीशन एक दूसरे के पास आते हैं और एक कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा अटैच होके अपने जो न्यूक्लियस होते हैं उस न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर लेते हैं, बस यही कॉन्जुगेशन होता है। ये कॉन्जुगेशन क्यूब यहाँ से हट जाती है, फिर उसके बाद में डिवीजन जो होता है वो बाइनरी फिशन के द्वारा ही होता है। तो मुख्य अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर ये बाइनरी फिशन ही होता है। चलो फिर हम बात करते हैं इसके अंदर गमन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसके अंदर गमन के लिए जो होते हैं वो इसके अंदर पूर्वपाद होते हैं स्यूडोपोडिया कसाब फ्लैजिला और पक्षमाप सीलिया, ये गमन के लिए पाए जाते हैं और इन्हीं की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे इसका प्रोटोजोआ का वर्गीकरण भी किया गया है। तो सीधा सा जनरल अपने पास क्वेश्चन जब बनता है कि प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया गया है, तो यहाँ पर ये गमन अंग जो होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं उन्हीं के द्वारा इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन में इसके अंदर चार क्लास बनाई गई है, पहली जो क्लास है वो आती है राइजोपोडा या सार्कोडीना। ये राइजोपोडा जो होते हैं ये राइजोपोडा में एग्जाम्पल तो याद रखना कैरेक्टर अपने आप याद आ जाएगा, राइजोपोडा जो है उसमें आता है अमीबा, और अमीबा में सबको पता है आगे अपन पढ़ेंगे भी अपने अमीबा सिलेबस में है, तो अमीबा जो है उसके अंदर फूटपाथ पाया जाता है, स्यूडोपोडिया पाया जाता है, स्यूडोपोडिया उपस्थित होते हैं राइजोपोडा या सार्कोडीना में। फिर हम बात करते हैं फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटा जो होते हैं उसमें फ्लैजिला कसाब पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। इसमें एग्जाम्पल आता है यूग्लिना वोर्टिसेला ट्राइकोनिम्फा। अब ये एग्जाम्पल जो है वो तीनों एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है। यूग्लिना की बात करते हैं तो यूग्लिना जो होता है वो जंतु और पादपों के मध्य कनेक्टिव यूनिट होती है, मतलब एनिमल और प्लांट्स के मध्य
कनेक्टिव यूनिट बोला जाता है इसको। वोर्टिसेला जो होता है ये एक प्रकार का कॉलोनियल कॉलोनियल प्रोटोजोआ होता है, मतलब ये कॉलोनी में रहता है, इसके अंदर बंच होता है, रहता है। इसी तरीके से सारी की सारी कॉलोनी जो है वो बनी हुई होती है, तो प्रोटोजोअंस में ये कॉलोनियल प्रोटोजोआ कहलाता है। फिर हम बात करते हैं, एक आता है नेक्स्ट ट्राइकोनिफा। ये ट्राइकोनिफा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपने जेट में दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये रिलेटेड तो टर्माइट से है, क्योंकि ये ट्राइकोनिफा जो होता है वो कहां रहता है, तो ये टर्माइट में रहता है, मतलब दीमक में रहता है। तो दीमक की आग में सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए जो प्रोटोजोआ है, ये ट्राइकोनिफा, ये वहां पाया जाता है। और दीमक मतलब टर्माइट और ट्राइकोनिफा, इन दोनों में सहोपकारिता म्यूटेलिज्म का रिलेशन पाया जाता है। फिर आता है थर्ड इसके अंदर सीलिका। सीलिका के बारे में करते हैं, तो इसमें ये पक्षमाप होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल अपने सबसे बड़े एग्जाम्पल इसके अंदर पैरामीशियम, देखो ये पैरामीशियम है, ये यूनिला है। फिर अपन फोर्थ बात करते हैं इसके अंदर स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के बारे में करते हैं, तो ये प्रोटोजोआ का ये क्लास जो होती है, इसके अंदर लोकोमोटिव ऑर्गन गमनांग जो वो नहीं पाए जाते हैं। और इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसके अंदर प्लाज्मोडियम आता है, जिसके द्वारा कौन सा रोग होता है, ये सबको पता है लोगों को, जिसके द्वारा मलेरिया डिजीज फैलाई जाती है। चलो स्क्रीन शॉट ले लीजिए लोग। चलो अपन दूसरा फाइलम लेते हैं, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा बता चुका हूं लोगों को मैं, पोरी और फेरस सबको पता होगा, पोरी मतलब पोर्स है और फेरा मतलब है बॉडी पर, तो बॉडी पर बहुत सारे पोर्स होते हैं। ये जो है पोरीफेरा जो है, इस पोरीफेरा को कॉमन नेम की अगर हम बात करते हैं तो इसको स्पंज भी कहा जाता है। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन जो आता है वो स्पंज के नाम से आता है, पोरीफेरा नाम नहीं आता है। आगे चर्चा हम करते हैं, इसका शब्द दिया गया है वो रॉबर्ट ग्लांट के द्वारा दिया गया है। शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं। सममिति की बात करते हैं, तो ये जो प्राणी होता है इसमें असममिति भी होती है, और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिसके अंदर असममिति भी पाई जाती है। फिर अपन सेलुलर ऑर्गेनाइज की बात करते हैं, तो कौन सा होता है इसके अंदर, कोशिका कोटिका सेलुलर सेलुलर पार्ट पाया जाता है। सभी भाग जो होते हैं, देखो जैसे जैसे फाइलम बढ़ते जाते हैं उसके अंदर कोटि संगठन जो है, मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो भी धीरे धीरे जटिल होता गया है। तो यहाँ पहले वाला जो पढ़ा अपने प्रोटोजोआ, वहाँ प्रोटोप्लाज्मिक था, यहाँ पर हो गया सेलुलर। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं शरीर पर जो असंख्य छिद्र है। चलो अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं, इसके अंदर एक डायग्राम लेते हैं। ये डायग्राम जो है ये अपन लेते हैं यहाँ पे साइकिल का, ये अपन साइकिल जो है साइकिल बना लिया, चट्टानों से चिपके हुए होते हैं। शरीर जो है इस शरीर पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इस तरीके से ये बहुत सारे छोटे छोटे चित्र पाए जाते हैं, पूरी बॉडी पर ये चित्र पाए जाते हैं। ये जो चित्र हैं, ये जो बहुत सारे चित्र हैं, इनका नाम होता है ओस्टिया, ये इसको अपन ओस्टियम भी कहते हैं। एक बड़ा चित्र, ये जो चित्र होता है, ये जो होता है इसे कहा जाता है ओस्कुलम, इसको अपन बोलेंगे ओस्कुलम। और शरीर की जो आंतरिक गुहा होती है, अंदर जो कैविटी होती है, इसके अंदर इस कैविटी को कहा जाता है स्पोंजोसीम, ये इसकी कैविटी होती है स्पोंजोसीम। चलो नेक्स्ट बता बात करते हैं अपन, ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, दोहरी जगह स्तर होती है। अभी तक एक्टोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, परंतु फिर भी इसके अंदर अगर इस तरह देखे जाते हैं तो दो स्तर बन जाते हैं। आउटर जो होता है वो होता है इसके अंदर पिनेकोडर्म, इनर जो होता है वो इसका होता है कोएनोडर्म। और ये जो कोएनोडर्म होता है, इस कोएनोडर्म के जो पार्ट होता है इसके अंदर विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है, नाम होता है उसका कोएनोसाइट या कीप कोशिकाएं, या अपन उसको कहेंगे कीप कोशिकाएं। काम क्या होता है, तो काम होता है इसका भोजन के अंतर्गत का। अब यहाँ देखो अपन ने कहा कि इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्यों, तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करती है। जैसे अपन कहें स्केलेब्लास्ट, ये जो सेल्स होती है इनका काम होता है स्केलेटल फॉर्मेशन का, कंकाल निर्माण का। अब कंकाल की बात करते हैं, तो कंकाल कैसा हो सकता है इसके अंदर, तो इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का हो सकता है या फिर सिलिका का बना हुआ होता है। कंकाल जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका, अब इनसे क्या बनती है, तो इनसे बॉडी पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स बन जाते हैं, कंटिकाएं, मतलब अपन सीधा सा ये कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका की कंटिकाएं पाई जाती है, तो पूरी बॉडी पर ये कांटे जैसे जो है वो निकले हुए होते हैं। फिर हम बात करते हैं थीसोसाइट। थीसोसाइट जो होती है इनका काम होता है
भोजन संचय का। देखो यहाँ कंफ्यूज रहता है, यहाँ पर बात करते हैं भोजन अंतर्गत की, तो ये गोलियोसाइट होती है और थीसोसाइट जो होती है वो भोजन संचय का काम करती है। फिर हम बात करते हैं आर्क्योसाइट, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट कोशिका सेल्स है ये। आर्क्योसाइट जो होती है इनको कार्य दिया गया है युग्मक निर्माण का, तो गैमेट फॉर्मेशन जो होती है इन दोनों का काम जो होता है आर्क्योसाइट करती है। फिर देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फॉर पॉलीफेरा वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अगर जनरल क्वेश्चन बनता है, अगर पॉलीफेरा से जनरल क्वेश्चन उठाया जाता है तो ये जनरल क्वेश्चन इसी से उठाया जाता है कि कैनाल सिस्टम किस फाइलम का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है वो कैनाल सिस्टम पॉलीफेरा में पाया जाता है। अब देखो ये जो कैनाल सिस्टम है ये क्या होता है, कैसे बनता है, तो देखो यहाँ पर चर्चा करते हैं। अभी मैंने बताया तुम लोगों को एक एग्जाम्पल अपने लिया था जिसमें बाहर जो है बाहरी पोर जो होते हैं ये ओस्टिया होते हैं, फिर जो कैविटी होती है ये स्पॉन्जोसील होती है, और फिर यहाँ पर एक बड़ा छिद्र होता है जिसको अपन ओस्कुलम कहते हैं। तो देखो वाटर वैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि बाहर का जो बोतल होता है वो ओस्टिया के द्वारा स्पॉन्जोसील में आता है और स्पॉन्जोसील से फिर ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकलता है। अब यहाँ पर कई बार इसका पाथवे पूछ लिया जाता है कि पॉलीफेरेंस में जो पाथवे है वाटर वैस्कुलर सिस्टम का पाथवे है वो क्या होता है, तो देखो पाथवे कैसे बन जाएगा इसका। तो अपने कहा वोटर जो होता है वो वोटर आउटर वोटर जो होता है वो आउटर वोटर एंटर करता है, इन आता है, तो किस में आएगा, तो ये ओस्टिया में आएगा। ओस्टिया से कहां जाएगा, तो ये स्पॉन्जोसील में जाएगा, और स्पॉन्जोसील से कहां आता है, तो फिर ये ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है ये इसका पाथ भी होता है, ये पथ है इसका ऑस्टिया स्पॉन्जोसील और ओस्कुलम, ये तीन पार्ट जो है तीन पार्ट जैसे जान लेना, पहले ऑस्टिया फिर स्पॉन्जोसील और फिर ओस्कुलम। चलो आगे से ट्रैवल करते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन की, तो जनन जो होता है उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अंदर किसके द्वारा, बाई बडिंग के द्वारा। तो देखो यहां पर डायग्राम दिया, तो इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें इस तरीके से एक नया पॉलीफेरा जो है स्पंज जो है वो स्पंज के साथ आ जाता है, और कुछ समय बाद में जब मैच्योर हो जाता है तो ये जो मैटरनल पार्ट होता है इस मैटरनल पार्ट से ये अलग हो जाता है और न्यू जनरेशन चालू हो जाती है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, ये होती है जेन्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये होता है जेन्यूल। ये जो स्पंज वाले जो पार्ट होते हैं इस स्पंज से एक एसेक्सुअल स्ट्रक्चर बाहर निकलती है, ओस्कुलम वाटर वैस्कुलर सिस्टम के वोटर के द्वारा इसके अंदर एक एसेक्सुअल स्ट्रक्चर बाहर निकलती है, इसका नाम होता है जेन्यूल। तो देखो ये जेन्यूल जो होता है वो इस तरीके से होता है, ये जेन्यूल जो होता है वो जेन्यूल ऐसा होता है, और ये होता है फ्री लिविंग, बिल्कुल ये फ्री लिविंग होता है, ये वोटर में तैरता हुआ एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और फिर किसी सरफेस से चिपक कर वापस से नया बना देता है। तो इस जेन्यूल का आपको ध्यान रखना है ये कैसा है, तो ये इसका एसेक्सुअल पार्ट है, पॉलीफेरेंस में एसेक्सुअल भाग होता है ये जेन्यूल, ये सेक्सुअल नहीं है। चलो फिर हम बात करते हैं सेक्सुअल पार्ट, सेक्सुअल जो होता है उसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है, और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि थीसोसाइट सेल्स आर्क्योसाइट सेल्स जो होती है उन आर्क्योसाइट सेल्स के द्वारा यहां पर गैमेट फॉर्मेशन होता है। चलो अब अपन बात करते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन के पार्ट की, रिप्रोडक्शन में इसके अंदर आर्क्योसाइट सेल्स जो है आर्क्योसाइट सेल्स के द्वारा गैमेट फॉर्मेशन होता है, उन्हीं का फर्टिलाइजेशन जो होता है वो वाटर में होता है, और उसके बाद में एक लार्वा बनता है, नाम उसका पेरेन्काइमुला या फिर हम कहते हैं इसको एंथ्री ब्लास्टुला। यही लार्वा जो है वो फ्री लिविंग होता है, थोड़ा तैरता हुआ किसी चट्टानी सतह से जाके चिपक जाता है और नया स्पंज बना लेता है। अब बात करते हैं इनके अंदर क्लास की, ये जो क्लासेस हैं मतलब अपर चीज़ ऐसा ये कहें कि पॉलीफेरेंस जो है इस पॉलीफेरेंस का क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेस पे किया गया है, तो वो किया गया है इसमें आउटर पार्ट में पाए जाने वाली स्पिकुल्स और फाइबर्स के बेस पे। तो ये किसकी बनी होती है उस बेस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, तो पहला हम बात करते हैं कैल्केरिया। कैल्केरिया जो है इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की स्पिकुल्स पाई जाती है, कंटिकाएं जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इसमें एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं इसके अंदर साइकोन और ल्यूकोसेरेनिया। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे एग्जेक्टिना, एग्जेक्टिना जो होता है यहाँ पर स्पिकुल जो होती है वो सिलिका की बनी हुई होती है, सिलिका की स्पिकुल्स पाई जाती है। एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं इसके अंदर यू प्लेकेला, और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है रीजन इसका ये होता है कि इसका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है। पहली बात तो इसको बोला जाता है वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस की पुष्प टोकरी बोला जाता है। अब ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो यू प्लेकेला है ये यू प्लेकेला
जापान में शादीशुदा जोड़ों को गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, ये वहां पर शुभ माना जाता है। इसका क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि निम्न में से कौन सा एनिमल है जापान में शादीशुदा जोड़ों को गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, तो ये यू ब्लैक कहलाता है। चलो नेक्स्ट थर्ड क्लास जो है इसकी वो है डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया जो है इसके अंदर स्पॉन्जिन फाइबर्स भी पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर केवल स्पिकुल्स थी, अब यहाँ पर स्पॉन्जिन फाइबर्स भी है और सिलिका की कंटिका भी पाई जाती है। इसमें एग्जांपल है यूस्पोंजिया और स्पोंजिला। यूस्पोंजिया जो है इसको अपन कहते हैं बाथ स्पंज और स्पोंजिला को कहा जाता है फ्रेश वाटर स्पंज। चलो अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अपने तीसरा फाइल लेते हैं अपन सिलेंडेटा, जैसे नाम दिया अपन ने निडेलिया। देखो सबसे पहले अपन इसमें ये देखते हैं कि वर्ड जो है वो किसके द्वारा दिए गए हैं, तो सिलेंडेटा वर्ड जो है वो तो दिया गया है ल्यूकार्ड के द्वारा और निडेलिया इसको कहा है हैचेक ने। अब कैरेक्टर्स की बात हम करते हैं, जनरल कैरेक्टर जो है इसमें पहली बात हम करते हैं तो ये सिमेट्री इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिमेट्री कौन सी, तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। संगठन कौन सा, तो यहाँ पर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, उत्तक कोटि संगठन पाया जाता है। कैसे हैं, तो डिप्लोब्लास्टिक है। फिर हम बात करते हैं ये सिलेंडेटा और निडेलिया जो वर्ड जो है वो क्यों दिए गए हैं, तो पहले भी चर्चा कर चुके हैं अपन, शरीर में क्या है सिलेंड्रोन गुहा उपस्थित है, कैविटी जो है उस कैविटी का नाम यहाँ पर सिलेंड्रोन कैविटी बताया जाता है। इसका जो माउथ होता है वो ही इसके अंदर एनएस का कार्य भी करता है। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स से अपन पढ़ेंगे इसको। चलो पहला एग्जाम्पल अपन लेते हैं इसके अंदर हाइड्रा, तो ये अपन ने ये हाइड्रा बना लिया यहाँ, ये अपने हाइड्रा बना लिया। ये हाइड्रा जो है इस हाइड्रा में ये होते हैं इसके अंदर टेंटिकल्स, और इन टेंटिकल्स जो है इन टेंटिकल्स पर पाई जाती है इसमें दंस कोशिकाएं, जिसको अपन नाम देते हैं नीडोब्लास्ट। ये नीडोब्लास्ट है, क्लियर है। देखो शरीर पर स्पर्शक उपस्थित, तो लगभग सारे काम जो होते हैं वो स्पर्शक, भोजन पकड़ना, भोजन ग्रहण करने का काम होता है। दंस कोशिकाएं जो होती है, दंस कोशिकाओं से क्या होता है कि जैसे ही कोई इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट बाहर आता है, तो ये दंस कोशिकाएं जो होती है वो इस इंसेक्ट को, इस इंसेक्ट की बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। इस दंस कोशिकाएं जो है नीडोब्लास्ट जो कोशिकाएं हैं इसमें हेपाटोक्सिन एंजाइम पाए जाते हैं, इसके द्वारा वो बेहोश हो जाता है और टेंटिकल्स के द्वारा उसको पकड़कर यहाँ पर डाल दिया जाता है। फिर जो माउथ होता है, इस माउथ के बाद में इसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है, इस कैविटी का नाम होता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। कैविटी को कहा जाता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ये जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, इस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में जैसे ही ये भोजन आता है, इस भोजन के आने के बाद इसका कुछ पाचन जो होता है, कुछ डाइजेशन जो होता है वो तो कैविटी में ही हो जाता है। फिर इसके बाद में बाकी का डाइजेशन जो होती है वो यहाँ पर कुछ सेल्स होती है वो इस सेमी डाइजेस्टिव फूड जो है इसको ले लेती है और फिर उसका पाचन वहां पर होता है। अतः अपन ये कह सकते हैं कि सिलेंड्रेस के जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो अंतःकोशिकीय और बाह्यकोशिकीय के दोनों प्रकार की होती है, मतलब इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों प्रकार की पाई जाती है। चलो ये कैरेक्टर हो गया स्पर्शक है, स्पर्शकों पर नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है, यही अपने अभी 2019 में तुझे पूछा हुआ है। फिर आता है इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, इसमें बहु रूपता पाई जाती है। बहु रूपता क्या होती है, तो पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब इसके अंदर अलग अलग रूप होते हैं इसको। वैसे अपन अगर एक नाम और देना चाहें तो अपन इसको जॉइंट्स कह सकते हैं, मतलब सिलेंड्रेट्स को जो एनिमल्स होते हैं इसके अंदर दो प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं, एक होता है इसके अंदर पॉलिप और एक होता है मेडुसा। अभी पॉलिप और मेडुसा होती क्या है, पॉलिप इसकी एक ऐसी अवस्था है जो स्थानबद्ध है, जैसे अपन इस हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा जो होता है वो एक चट्टानी सरफेस से चिपका हुआ होता है, तो ये हाइड्रा की जो अवस्था होती है इसको अपन पॉलिप अवस्था कहते हैं। ये कैसी अवस्था है, तो ये एनिमिक अवस्था होती है, क्यों, क्योंकि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाई बडिंग के द्वारा होता है, ये बाई बडिंग के द्वारा होता है, ये दूसरा हाइड्रा जो है वो बडिंग के द्वारा होता है, फिर यहाँ से अलग हो जाता है। तो ये कैसी अवस्था है, ये स्थानबद्ध है और एनिमिक अवस्था होती है, एसेक्सुअल स्टेज होती है। जबकि मेडुसा, मेडुसा क्या है, तो मेडुसा इसकी फ्लिंग स्टेज होती है, स्वतंत्र जीव अवस्था होती है और लैंगिक अवस्था होती है। मेडुसा को समझने के लिए अपने को एक एग्जांपल और लेना है, और एग्जांपल अपन लेते हैं इसके अंदर ओबेलिया का। ओबेलिया एग्जांपल लेते हैं, तो ओबेलिया जो होता है वो दिखने में तो एक पेड़, एक ट्री के समान स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो ओबेलिया होता है, इस ओबेलिया में हाइड्रा के जैसा भी पार्ट पाया जाता है और एक पार्ट और होता है इसके अंदर, ये एक पार्ट और होता है, इस पार्ट में इसके अंदर
इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है जो कि सेक्सुअल स्ट्रक्चर होती है, इसको अपन मेडुशी कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये तो होती है भोजन ग्रहण करने से संबंधित होती है, तो इसको अपन गैस्ट्रोजोल कहते हैं, गैस्ट्रोजोल। और ये जो होती है ये होती है रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाने से संबंधित, तो इसको अपन गोनोजोइड्स कहते हैं। ये गोनोजोइड्स जो होते हैं इसी के द्वारा ये स्ट्रक्चर निकलती है। ये स्ट्रक्चर जो होती है वो इस तरीके से उल्टे छाते के समान संरचना होती है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनती है। ये जो स्ट्रक्चर होती है ये स्ट्रक्चर के अंदर मेडुशी होती है, इसको अपन मेडुशा कहते हैं। अब ये जो ओबेलिया है, इस ओबेलिया में पॉलिप और मेडुशा दोनों स्टेज पाई जाती है। मतलब अगर अपन इसके एग्जाम्पल लें तो ये पॉलिप स्टेज जो होती है, इस पॉलिप स्टेज का एग्जाम्पल जो आता है वो तो अपन सीधा सीधा हाइड्रा ले सकते हैं। हाइड्रा में केवल पॉलिप पाई जाती है। मेडुशा की बात करते हैं तो मेडुशा और पॉलिप दोनों अवस्था में बात करते हैं तो दोनों अवस्थाएं पाई जाती है ओबेलिया में। और अगर केवल मेडुशा की बात करते हैं तो आगे भी पढ़ेंगे, इसके अंदर एक आता है एनिमल ओरेलिया जिसको अपन जेलीफिश भी कहते हैं, वो केवल ऐसा ही होता है, उसमें केवल मेडुशा स्टेज ही होती है। अच्छा, अभी जो पॉलिप और मेडुशा है ये एक के बाद एक अवस्था आती है, तो इसको अपन कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब हिंदी वर्ड होता है इसका पीढ़ी एकांतरण। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होती है वो जो नॉर्मल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है उसकी वजह थोड़ी अलग होती है। रीजन उसका ये होता है कि इसमें पॉलिप और मेडुशा जो होती है वो दोनों ही टू एन होती है। नॉर्मल जो होता है उसके अंदर दो अवस्थाएं आती है, इसमें एक टू एन और एक एन आती है। यहाँ पर पॉलिप स्टेज जो होती है ये भी टू एन स्टेज होती है, और मेडुशा जो होती है ये भी टू एन स्टेज होती है, मतलब डिप्लोइड स्टेज होती है। ये जो मेडुशा है इस मेडुशा के टू एन के बाद इसमें युग्मक बनते हैं, इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, मतलब स्पर्म और ओवा जो है उसका फॉर्मेशन इसी के द्वारा होता है। फिर इसके बाद में इसकी लाइफ साइकिल जो है वो चलती रहती है, तो एक बार पॉलिप और एक बार मेडुशा, फिर इसके बाद में ये जो है वो वापस पॉलिप, फिर मेडुशा, फिर वापस पॉलिप, इस तरीके से चलता रहता है। अब आगे से आपको कहते हैं ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, नॉर्मल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है उसको तो यही कहेंगे अपन पीढ़ी एकांतरण कह लेते हैं, बाकी यहाँ जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है इसको मेटाजेनेसिस कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीजन उसका ये होता है क्योंकि यहाँ पर पॉलिप और मेडुशा दोनों ही टूएन होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। आगे देखते हैं अपन, इसमें बाहरी कंकाल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसको अपन कोरेलम कह सकते हैं, या जो सिंगुलर पार्ट है इसका कोरेलाइट होता है। अब ये जो अपन आगे पढ़ेंगे अपन, इसकी क्लास आती है क्लास एंथोजोआ। एंथोजोआ के जो एनिमल्स होते हैं ये सारे के सारे पॉलिप होते हैं। जैसे अपन एक बात कर सकते हैं मेड्रिकोरेया, तो समुद्र किनारों पर पाए जाते हैं, इसमें बाई बडिंग के द्वारा इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, तो इस तरीके से ये बढ़ते ही जाते हैं। इसके बाहर जो होता है वो एक कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होता है, ये स्केलेटन जो है वो बहुत बढ़ता रहता है, धीरे धीरे जो स्केलेटन है इतना बढ़ जाता है कि ये समुद्री एरिया जो है सी सरफेस जो होती है उसके बाहर निकल जाता है और एक टापू बन जाता है। ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको अपन कोरल रीफ कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ध्यान रखना। कोरल रीफ संबंधित है, किससे संबंधित है, तो पहली बात तो सिलेंटेटा, फाइलम सिलेंटेटा से। फिर अगर और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कोरल रीफ संबंधित है तो किससे संबंधित है, तो सिलेंटेटा के वर्ग एंथोजोआ का बाहरी कंकाल, यही कोरल रीफ कहलाता है। ये चर्चा हम कर चुके हैं, पाचन जो है वो अंतर्कोशीय बाहर कोशीय दोनों प्रकार का होता है। अभी ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो रहा है, इसके अभी तक अपन ने जो पढ़े थे दो, प्रोटोजोआ और पोरिफेरा, उनके अंदर अपन ने नर्वस सिस्टम जो है उसका कोई पार्ट नहीं पढ़ा। अब पहला तंत्रिका जो है वो तंत्रिका यहाँ आती है, पर अभी तक यहाँ तंत्र नहीं होता है, परंतु तंत्रिका तंत्र के उद्भव ओरिजिन की बात करते हैं तो वो संघ सिलेंटेटा माना जाता है। यहाँ पर ये जो होता है वो केवल और केवल किसके रूप में होता है, तो यहाँ पर केवल ये नर्व सेल्स के रूप में होती है, नर्व सेल्स पाई जाती है, सेंसरी सेल्स पाई जाती है, केवल तंत्रिका तंत्र इसी रूप में होता है। पर अपन सीधा सा अपन ये कहेंगे कि ओरिजिन ऑफ नर्वस सिस्टम बाय सिलेंटेटा। अब अपन बात करते हैं जनन तंत्र की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है इसमें किसके द्वारा, बाई बडिंग, अभी मैंने बताया तुम लोगों को। फिर यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो गैमेट फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा, ये मेडुशा स्टेज होती है, मेडुशा स्टेज से गैमेट फॉर्मेशन होगा, ये भी बता दिया मैंने। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर इसके लार्वा की, तो इसका जो लार्वा होता है इस लार्वा को कहा जाता है प्लेनुला लार्वा। अब आती है इसकी तीन क्लासेस, पहली क्लास की बात कर लेते हैं हाइड्रोजोआ, कैरेक्टर सिंपल से है हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ की बात हम करते हैं तो इसके अंदर पॉलिप और मेडुशा दोनों स्टेज होती है, एग्जाम्पल पर ले लिया इसमें हाइड्रा और ओबेलिया। फिर हम बात करते हैं स्काइपोजोआ, स्काइपोजोआ की बात हम करते हैं तो इसमें केवल मेडुशा स्टेज होती है, केवल ये स्टेज पाई जाती है, सारे एनिमल्स ऐसे ही होते हैं। एग्जाम्पल सबसे बड़ी एग्जाम्पल है ओरेलिया, जेलीफिश कहा जाता है,
मतलब कुछ एग्जांपल्स, जैसे अपने जो एग्जांपल हैं वो एग्जांपल से एग्जाम में भी समझ जाता है। जेलीफिश, ये फिश है पर कहाँ रखी जाती है? सेलेंटेस में रखी जाती है। फिर आता है वर्ग, क्लास, एंथोजोआ। इसमें केवल क्या होती है? पॉलिफिसिटी होती है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक आता है सी पेन, इसको अपन पिनेटुगा कहते हैं। एक आता है सी फेन, इसको अपन गोरगोनिया कहते हैं। एक आती है डेड मैन फिंगर्स, मृत मानव की अंगुलियां, तो इसको अपन एल्साइनियम कहते हैं। और एक आता है सी एनीमोन, इसे अपन एडम्सिया कहते हैं। चलो ये अपना सन से रिलेटेड हुआ, तो वो स्क्रीनशॉट ले लो उसका।